दादा ई रिक्शा पे आ गए हैं। हमारी हम लोगों की ट्रांसफॉर्मेशन हो गई है गाइस। हम दोनों के नहीं, हम पांचों की, मौसा की भी और हम दोनों की। गांव का नजारे देख लो, बहुत ज्यादा गर्मी नहीं है ना ऐसे दिल्ली से? यहाँ ज्यादा गर्मी नहीं है, कंचन बता रही थी बहुत गर्मी पड़ रही है, हमारे यहाँ ज्यादा गर्मी नहीं है, हम फुल एंजॉय कर रहे हैं। हाँ चुप रहो, कहीं आप कल से पड़ जाए इतनी ज्यादा गर्मी। चलो चलो मिलते हैं बस पे बैठकर, अयोध्या जा रहे हैं हम। पूजा की तैयारी दिखाती हूँ, बहुत प्यारा सा लग रहा है। लगा हुआ है यहाँ पर, कितना सुंदर सा। पूजा स्टार्ट हो गई है, दिखाती हूँ किस मौसी के घर में पूजा हो रही है। ये मौसी हेलो बोल दो। हेलो ठीक है मौसी, इन्हीं मौसी के घर में पूजा है, यही कार्टून मौसी हमारे यहाँ। चलो मैं पूजा दिखाती हूँ कैसे हो रही है, ठीक है। ओम भूर्वस्वः गणेशाय नमः। का ब्याना नाना पुण्यद्रव्या समर्पयामि नाना पुण्यद्रव्या अन्ते सिंदूराणि चढ़ाने के बाद सिंदूर चढ़ाइए। ओम सिंदूर प्राध्वने सुघना शोभात प्रमियः पतयन्ति जह्वाः अर्घोणपादी ओम भूर्वस्वः गणेशाय का ब्याना सुगंधित तैलम समर्पयामि सुगंधित तैलान्ते धूपम दीपम ज्योति सूर्य सूर्यो ज्योतिष्वाहा ओम को दिखा करके महान विद्युम निवेदयामि निवेदयानन्तरं पञ्चवार जलं पांच बार भूमि लगाकर जल चढ़ाइए इसी कटोरी। ओम प्राण स्वाहा वन स्वाहा मदाय रसो अयोध्या ओम भूर्वस्वः गणेशाय का ब्याण करो दर्तन चंदन समर्पयामि तांबूल चढ़ा हुआ फल चढ़ा हुआ ओम पुरुषेण हविखा देवाल दिया मदन भदा भरम दोषा सीधा चंद्रिक महिमा सर्धवे ओम भूर्वस्वः गणेशाय का ब्याण नमो सुदर्ते दाम मात्रा के प्रभु वर दत्तम हम दे ही वाजदम वांछावदा बोलिए माता जी अनेन 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 सफल अरे ढेर सफलोस्तु फल दोस्तु सदा मम इसी कटोरी में अपने आगे को चला दीजिए। सुपर हाँ जल को अपने नेत्रों से लगा लीजिए। माला बनाने जा रहे हैं, इनकी माला एक माला बनाइए उसको इसी के नाम से सब बना करिएगा, ठीक है। अब आप कैंची ले लीजिए जिससे आप तोड़ पाएंगे। Go and bring.
स्टेज लग रहा है भागवत कथा के लिए। ऐसा सा ये चमेली, ये दोनों लगे हुए हैं पता नहीं किस किस कामों में। चमेली का भी ले ले, आराम फरमा रही। हाँ, और एक को दिखाती हूँ मैं वो क्या कर रही है। हम काम करने के लिए आए थे यहाँ पर और उसको दिखाती हूँ। मैडम जी सो रही हैं। अंजलि उठ जा। ऐशा लगे रहो। तुम्हारे बिना यहाँ सब रुका था। ओ गड्ढा कर रहा है ये। मैडम ऐसी चीज नहीं चल रही, ऐसे चलते इतना भी मैंने चीला ये, तूने इससे आगे बिल्कुल नहीं बढ़ी है। ए, अब उल्टा कर आप समझी, उल्टा कर वो एग्जैक्टली। चलो दिमाग तो वैसे है लेकिन देर से चलाती है ना। मुझको लग रहा था कुछ तो चीन है, कुछ इसको दो दिन लगेंगे, कल ही खाओगे तो सब्जी। टेस्ट तैयार हो चुका है, कुछ ऐसा लग रहा है। बिहार को किसी ने संवारने का कार्य नहीं किया है तो अयोध्या क्या है? बोले अयोध्या जो है ये वैकुंठ का हृदय है। भगवान वैकुंठ में जहाँ रहते हैं ना, भूलोक भूगलोक स्वलोक मालोक जनलोक तपलोक सत्यलोक, इस पृथ्वी के ऊपर सात लोक हैं और उस सातवें लोक को सत्यलोक कहा जाता है और उस सत्य लोक में एक वैकुंठ है और उस वैकुंठ का हृदय क्या है? बोले उस वैकुंठ का हृदय है अयोध्या। इसलिए हमारे यहाँ कहा गया न योध्यति इति अयोध्या। अयोध्या को आज तक किसी ने जीत नहीं पाया, तो सौभाग्य है कि हम लोग अयोध्या धाम में बैठ करके कथा सुन रहे हैं, पहला सौभाग्य। और बोले कथा भी किसकी सुन रहे हैं? बोले श्रीमद भागवत महापुराण की। इस कथा की क्या महिमा है? तो शास्त्रकारों ने कहा कि निमग्ना नाम यथा गंगा, देवा नाम अच्युतो यथा, और वैष्णवा नाम यथा शंभु, पुराणा नाम इदम तथा। सभी नदियों में गंगा जी श्रेष्ठ है, सभी वैष्णवों में भगवान भोलेनाथ श्रेष्ठ है, सभी देवों में भगवान विष्णु श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार पुराणा नाम इदम तथा, सभी पुराणों में यह श्रीमद् भागवत महापुराण श्रेष्ठ है। यह कोई साधारण ग्रंथ नहीं है। इस ग्रंथ की क्या महिमा है? बोले जब व्यास जी ने 17 पुराणों की रचना कर दी, एक वेद को 4 खंडों में विभाजन कर दिया, पंचम वेद महाभारत की रचना कर दी, फिर भी उनके मन को शांति नहीं मिली।